नमस्कार, जूनियर एनटीआर की तेलुगु की पैन इंडिया रिलीज फिल्म देवरा पार्ट वन 27th ऑफ सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, जिसके रिलीज हुए सिनेमाघरों में 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, फिल्म देवरा पार्ट वन ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 172 करोड़ की ओपनिंग कर ताबड़तोड़ शुरुआत की, तो वहीं फिल्म अपने फर्स्ट वीक 7 डेज तक आते आते वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर सिनेमाघरों में सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म देवरा पार्ट वन के सेकेंड संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 की, तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर ताबड़तोड़ कलेक्शन निकल कर आ रहे हैं। बात करें फिल्म के डे 10 कलेक्शन की, तो फिल्म देवरा पार्ट वन ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 18 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल 10 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 450 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 210 करोड़ की कमाई कर चुकी है, तो फिल्म का हिंदी वर्जन में 58 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। फिल्म देवरा पार्ट वन के बजट की बात कर ले तो फिल्म देवरा पार्ट वन को ओवरऑल 300 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड स्टार्स के सैलरीज को मिलाकर। फिल्म देवरा पार्ट वन की बात करें तो फिल्म देवरा पार्ट वन को फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज सफलता मिल रही है। फिल्म को फिलहाल तेलुगु के अलावा हिंदी वर्जन में भी जबरदस्त का रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, फिल्म अपने सेकेंड वीकेंड में हर जगह हाउसफुल नजर आई। फिल्म देवरा पार्ट वन में जूनियर एनटीआर का ताबड़तोड़ एक्शन रोल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, फिल्म देवरा पार्ट वन को अगर आपने मिस किया है तो फिल्म देवरा पार्ट वन को सिनेमाघरों में जरूर देखें। फिल्म एक जबरदस्त थिएटर एक्सपीरियंस देने वाला है। फिल्म देवरा पार्ट वन को अगर आपने मिस किया तो वीकेंड भी है, फिल्म का मजा जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं थालापति विजय की फिल्म दी गॉड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 के बारे में। दोस्तों, फिल्म दी गॉड सिनेमाघरों में रिलीज हुए 32 डेज को कंप्लीट कर चुकी है। 5th ऑफ सितंबर रिलीज फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 126.42 करोड़ की ओपनिंग लेने के बाद फिल्म सिनेमाघरों में 31 डेज तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 493 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ताबड़तोड़ कलेक्शंस कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से 225 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई कर तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त का रिस्पॉन्स देखने को मिला है। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिलहाल वीकेंड डेज में है और वीकेंड डेज में फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। उसको बता दूं कि फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिलहाल 3rd ऑफ अक्टूबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ओटीटी पर भी उपलब्ध है। फिल्म को अगर आपने मिस किया तो इसे बड़े पर्दे के साथ साथ ओटीटी पर भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म मियां जागरण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे तमिल की फैमिली इमोशनल ड्रामा फिल्म मियां जागरण के कलेक्शंस की। बात करें तो फिल्म मियां जागरण के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म मियां जागरण के 10 डेज तक कलेक्शंस की, तो कार्तिक एंड अरविंद स्वामी स्टारर फिल्म मियां जागरण ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वर्ल्ड वाइड से करीब 5 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर टोटल 10 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 53 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से 36 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म मियां जागरण को ओवरऑल 35 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। 35 करोड़ के मुकाबले 10 डेज तक आते आते फिल्म 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों, फिल्म को लेकर के ऑडियंस में जबरदस्त का क्रेज बना हुआ है। फिल्म की कमाई की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है। फिल्म की कमाई ऐसा रही तो फिल्म कार्तिक के करियर की एक और 100 करोड़ फिल्म बनने वाली है। फिल्म मियां जागरण दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीक थिएटर्स में फिल्म को जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म स्त्री 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 53 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे फिल्म स्त्री 2 के कलेक्शंस की, तो फिल्म स्त्री 2 के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 53 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और फिल्म 50 डेज के ऊपर भी सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। फिल्म स्त्री 2 के 53 डे कलेक्शंस की बात करें तो संडे होने के चलते फिल्म स्त्री 2 ने अपने 53 डेज के अंदर भी शानदार कमाई की है। बात करें फिल्म के डे 53 कलेक्शंस की, तो 53 के अंदर फिल्म ने करीब 1.75 करोड़ की कमाई कर टोटल 53 डेज तक 24 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड 869 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म स्त्री 2 के बजट की बात करें तो फिल्म स्त्री 2 को ओवरऑल 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। 60 करोड़ के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज ब्लॉकबस्टर हिट होते हुए वर्ल्ड वाइड से 900 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। फिल्म स्त्री 2 को अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को जरूर देखें। दोस्तों, बात करते हैं फिल्म जोकर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे हॉलीवुड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जोकर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुए 4 डेज कंप्लीट कर चुकी है। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन 5.25 करोड़ की नेट ओपनिंग कर शुरुआत की, तो वहीं फिल्म के आज 4 डेज कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म जोकर 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 4 के अंदर करीब 1.75 करोड़ की नेट कमाई कर टोटल 4 डेज तक
10.40 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। फिल्म जोकर 2 के बजट की बात करें तो दोस्तों बता दूं कि फिल्म जोकर 2 को ओवरऑल $190 मिलियन के बजट में तैयार किया गया है। इंडियन करेंसी में फिल्म को 1594 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $250 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म जोकर 2 फिलहाल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही। फिल्म को फिलहाल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्म जोकर 2 को अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म अजंता रैंडम मोशनम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डेट 25 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म अजंता रैंडम मोशनम के कलेक्शन की बात करें तो टोविनो थॉमस के कैरियर की 50वीं फिल्म अजंता रैंडम मोशनम सिनेमाघरों में रिलीज हुए 25 डेज को कंप्लीट कर चुकी है। फिल्म के 25 डेज तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म फिलहाल 25 डेज तक बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुली रनिंग कर रही है। फिल्म की कमाई भी ताबड़तोड़ निकल कर आई है। बात करेंगे फिल्म के 25 डेज तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो फिल्म अजंता रैंडम मोशनम ने 25 डेज तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 112 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर चुकी है। जहां फिल्म का अपना स्टेट केरला के बॉक्स ऑफिस से 62 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म अजंता रैंडम मोशनम को 30 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। 30 करोड़ के मुकाबले फिल्म टोविनो थॉमस के करियर की 100 करोड़ी फिल्म बन चुकी है। फिल्म अजंता रैंडम मोशनम में जबरदस्त का थ्रिलर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म मलयालम लैंग्वेज की एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में टोविनो थॉमस 3 अलग अलग अवतार में नजर आए हैं। फिल्म को अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म धर्मवीर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे मराठी फिल्म धर्मवीर 2 के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म धर्मवीर 2 के सिनेमाघरों में रिलीज हुई 10 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म धर्मवीर 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर महाराष्ट्र के बॉक्स ऑफिस से 1 करोड़ की नेट कमाई कर टोटल 10 डेज तक महाराष्ट्र के बॉक्स ऑफिस से 15 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। तो दोस्तों फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 8 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। 8 करोड़ के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए 15 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है। धर्मवीर 2 के बारे में बता रहे दोस्तों कि फिल्म 2022 में आई धर्मवीर की सीक्वल है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो देख सकते हैं नजदीकी थिएटर्स में। तो दोस्तों ये था लेगा जो का हाल फिल्म के कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज कलेक्शंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।